शेख फतेह अली और राणा सलीम उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून। अस्सलाम वालेकुम। सर, आज जो आपने यहाँ पर तकरीब का अहतमाम किया था वो कामयाब हो गई है, तो और बात यह कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तार हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम मजम्मत करते हैं, हमने कुछ दिन पहले भी की, आज भी सारे जितने दोस्त कारकुनान मुस्लिम लीग मौजूद के सारे मजम्मत करते हैं। एहतजाज है हमारा, गलत फैसला हुआ है, उनको फौरी रिहा किया जाए, अदालत को चाहिए कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। ये न्याजी गठजोड़ यानी इंतकामी कार्रवाइयाँ करार दी जा रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये न्याजी गठजोड़ सिर्फ शरीफ फैमिली के लिए है और किसी के लिए, उनके तमाम देख लें आप, जिनके भी केस रेफरेंस हुए हुए हैं उनको किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ शरीफ फैमिली को ही और नून लीग के ही साथियों हमारे लीडरान को गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो हम इसकी परजोर मत करते हैं और एहतजाज करते हैं कि उनको फौरी रिहा किया जाए। निशात खान डाहा को रुकनिया से फारिग कर दिया गया और मुस्लिम लीग से अलहदा हो गए हैं, वो बैठकर बातें भी करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायदीन लौटे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वो मुस्लिम लीग नून में नहीं है, वैसे झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे मबनी बातें करते। आज आपने भी देख लिया, सारे खाने वाले ने देखा, वो नहीं है। जो पार्टी कायद के ख़िलाफ़ बोलता है वो पार्टी में आइन और कानून के मुताबिक रह ही नहीं सकता, वो सरासर झूठ बोलते हैं सुबह शाम। जी, तो राणा सलीम और शेख फतेह का यही कहना है कि ये इंतकामी सरगर्मियाँ हैं जो कि शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान के लिए की जा रही हैं। कैमरामैन टीम के साथ नगीना शफकत, लोकल व्यूज़, खानेवाल।